आया ने इसके अवार्ड फंक्शन, जिन्होंने मुझे ममनून किया, यहाँ पर बुलाया, इतना प्यार दिया। और सच बता रहा हूँ, ऐसे अवार्ड होते रहने चाहिए। इस्टा का परिवार यहाँ पर बैठा है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और जैसा कि मुश्ताक सर ने कहा कि आप सबके लिए, हम सब के लिए, नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिसके ज़रिए हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं और कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये पैसे भी बना सकते हैं। तुम कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर टिल्लू भैया इंस्टाग्राम वालों को कहें तो क्या कहेंगे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स के लिए? अबे तू सवाल ही भूल गया बावले। हाँ, लग रहा है मुझे भी। देखिए, सच बता रही हूँ भैया, मुश्ताक सर, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हो गए, कसम खा के कह रही हूँ। वो बुधनी का घटिया इंसान मनमोहन तिवारी मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ है, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है कि उसके गुर्दों में से 6 महीने की तनख्वाह निकाल के रहूंगा, वरना शिवा चौधरी के गुर्दे छील दूंगा। और दूसरी बात ये भैये कि आप सब इंस्टा वाले हो, मैं आपके साथ हूँ, बढ़िया बढ़िया रील बनाओ, हमारे सेट पे आओ, मैं मिलवाऊंगा आसिफ शेख से, मैं मिलवाऊंगा उस नल्ले से, मैं मिलवाऊंगा हप्पू सिंह से, आप लोग नाम कमाओ, पैसा कमाओ। और अंदर की बात जय भैया, थोड़ा बहुत पैसा जो है टिल्लू की साइड भी डालते रहिए, क्योंकि टिल्लू को ना 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। थैंक यू। नहीं डाले तो मैं शिवा चौधरी के गुर्दों का सौदा कर दूंगा। अरे अंदर की बात के साथ निगाह बढ़ा दो, आप मौलवी साहब लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, सच बता रही हूँ। आगे आइए, आयान भाई को देखिए, मन कर रहे 3 बार कबूले 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 कहूँ, लेकिन बहुत बड़ी चिरान मेरी बेगम यहाँ पर बैठी हुई, वो कहेंगी घर पे आओ, फिर मैं कहूंगी डंडा कबूल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। आपका सेट का एड्रेस बता दीजिए, पहुंच जाएंगे फिर। है शैतान, तुम्हें बड़ी जल्दी मची है। नए गांव सेट आइए, भाभी जी घर पर है, सानिया स्टूडियो में आइए और आकर गुर्दे छिलवाइए, मेरा मतलब है अपना काम करवाइए, गुर्दे छिलवाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। शाहिद सर कह रहे थे असली हो या नकली हो, कसम खा के कह रही हूँ टिल्लू असली वाला आपके सामने खड़ा हुआ है, मुझे नहीं है बस, मेरी बस बस बस। थैंक यू सो मच सर। और मोहम्मद रफ़ी सर, कौन नहीं जानता है उनको, जानी मानी हस्ती, और उनके शहजादे, तो थैंक यू सो मच। साहिद सर, साहिद साहब जो हैं आज हमारे बीच में हैं, तो मैं तो चाहूँगी आपके एक सुरीले तकलीफ होती है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का आवाज बैठी हुई, माफी चाहते हैं प्लीज, बस वही बात नहीं सर, एक पिक तो बनती है, इतना बोल दिया मैंने। ए भाई ये कुछ यूनिक है हमारे सर के लिए भी, उनका फोटोशूट खत्म हो जाए, ज़्यादा समय हो रहा है सर के लिए, और इसकी वजह बताना चाहूँगा, सर की कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, और जिस दिन मैंने सर को ये बताया था कि 26 को इवेंट है, सर ने मना कर दिया था कि 26 को पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर दिन में है तो मैं कर आ सकता हूँ। उसके बाद मैं किन शब्दों में सर का शुक्रिया अदा करूं, अपना कीमती शब्द सर, 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 सर,
कॉपीराइट आ गया भाई। साउंड बंद करवा कोई उसका हाथ का भाई हाथ था भाई थोड़ा सा भाई साहब आए आज का बहुत बहुत शुक्रिया जरूर जिन्होंने यहां पर आने की दावत दी और इतना अच्छा इंतजाम किया इसका नाम जी। सबसे पहले तो अयान साहब को मुबारकबाद दूंगा, इतना प्यारा अवार्ड फंक्शन रखा और ये काबिले तारीफ वाली बात है कि इंस्टा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और बड़ी बात है कि मिलियंस में लोगों के व्यूज आ रहे हैं। उन सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इस टाइम इंस्टा पे छाए हुए हैं और शिवा चौधरी अयान साहब की मेहनत है जो इतना बड़ा अवार्ड शो हुआ। आप सोशल मीडिया फॉलोवर कितने बड़े कितने यूज़ करते हैं आप? मैं देखिए ऐसा है कि हमारा डेली शो पे भाभी जी घर पर है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी हम इंस्टा पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती करने जाते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, इंस्टा से भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़े हुए हैं। सलीम अंडरस्कोर जैदी मेरी आईडी है। लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, मोहब्बत है और उसके ज़रिए जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं और अंदर की बात यह है कि गुर्दे छीलते रहते हैं। अरे यार वो तो उधर ले गए यार उनको यार।